अरे जी सुनो गिरिधारी सांवरिया मारी, अरे जी सुनो गिरिधारी, श्वास श्वास में थाने में तो सिमरा दाता, भूलो मती बनवारी, अरे भूल गया तो लाज जावेली, हसी होवेली प्रभु थारी थारी। अगर आज मैं मर गया तो हसी भी थाकी सी है ना। भगवान ने करुण पुकार करी और भक्ता की करुण पुकार ने सुन भगवान थोड़ी की दया की दृष्टि डाली और जी राजा की जेल का मैंने ससुर जी और जवई जी है वह राजा का सपना का मैंने जा और भगवान केवा लगे कि राजा जी ससुर जवई नाम का चोरा ने तू तारी जेल का मैंने नाक मिले ना वे थारा चोर कौन वे मारा चोर है वाने जल्दी अटू जितरो धन लिदो जी को चार गुना धन देन विदा कर दे नित्रे अब थारी नगरी को विध्वंस कर दूंगा कर दूला। अब जो ही राजा साहब अशो सपनो देखियो तो नींद का मैंने ओजक पड़िया और अपना सैनिक ने केबा लगा कि सैनिक आपने मेल का मैंने जेल का मैंने जो ससुर जोई नाम का चोर है वाने नया वस्त्र पहरो स्नान ध्यान करो और जितरो धन ले दो जो चार गुना धन देन यानी दो यानी अटू प्राण विदा करो। अब जो ही ससुर जी और जमाई जी ने स्नान ध्यान करावा लगा और नमा गाबा पहराया तो ससुर जी के ठीक है यार अटक दूजा का झेल का मैंने बेटा बेटी नवा गाबा पहरा रहे अच्छी बात है बाकी गरीब हो रहा ना पहरा है ना अरे तो उठे तो दूजा की झेल का मैंने पहरा रहे अच्छी बात राजी है बाकी अब नया वस्त्र पहराया स्नान ध्यान कराया सेठ जी को धन दे दो जो कुछ चार गुना धन दे दो तो सेठ जी और राजी है बोला गया और जमाई जी ने कहवा कि जमाई जी यो ठीक कारोबार आपस ही करा सेठ जी राजा साहब ने कहवा कि अपन सालगांड और रब दी ताकि बाणु अतरो धन हाथ लागे तो सालगांड और रेमा तो अतरो को अतरो और मिल जाए जमाई जी कहवा सेठ जी थे बड़ा खंजूस आदमी हो थका पूछ रहे सालगांड है मुई जेल भगत रही हूँ अब दुई ससुर जी और जमाई जी ने उठू विदा किया इस जगह कथा का तीन अध्याय समाप्त है इस जगह चौथा अध्याय की कथा चालू हो रही है। अब ससुर जी और जमाई जी दुई नाम का मैंने बैठा बैठा जा रहा और बाता करता जा रहा है ससुर जी जमाई जी ने ताना मार रहा है और कई कह रहा है हे साधु जवाई संगी चले रे नगरिया ये धन का नशा में होके बाबरिया वो तो बाबरिया संगे चले रे नगरिया ससुर जी जमाई जी ने ताना मार रहा है और कह के भाई अरे इतनी लक्ष्मी देखी तूने तुम्हारे भी बाप के इतनी लक्ष्मी देखी तूने तुम्हारे भी बाप के मेरे घर आकर के जवाई रोटी खाई थाप के ये साधु देवी तना मसी करिया साधु देवी तना मसी करिया सगे चले रे नगरिया ससुर जी कह रहा है अरे कई ससुरा जी सुनो जवाई जी ए कोई आवे डंडी धारी अगर अपने से धन मांगे तो कर देना इनकारी ये चले
बोले सत्यदेव भगवान की जय हो। साधु जवाई संग चले नगरिया धन का न समय होके बावरिया। ई माइक में चलो गुरु। अभी ससुर जी जवाई जी ने ताना मारिया खेरिया है कि इतनी लक्ष्मी देखी तूने तुम्हारे भी बाप के मेरे घर आकर के जवाई रोटी खाई दाब के। जवाई जी थे मारी जन संपत्ति देने थोड़ा कम ना लो काकी थे उशान मारा हिसाब हो तो दापन रोटी मारा घरे आनी खाती बाकी था का घरे रोटा का जोग भी कोई ना हाँ है जो असल होता है। चमाई जी ढूंढ रहा है कहीं कौन है करे चाला इतना ढूंढना पेड़ी की करा अगर सेठ जी छोरा ने लड़िया पे ले जावे और पछि सेठ जी आको दिन गले भी काटे तो छोरा ने ढूंढनी पड़े ढूंढनी पड़े। खैर आजकल का नो होना है लेकिन पहली का तो होता है ना होता है आजकल तो सेठ जी नहीं बेचिया वैसे का बेचिया सही बात है लेकिन पहली का छोरा सुनता है। अब जमाई जी ने तना मार रिया लेकिन जमाई जी सुनता जा रहा कहीं करे क्योंकि जोर भी कहीं नहीं चले और कहवा लगे कि जमाई जी कोई आदमी आ तो दिख रही हो कोई महाराज दिख रही हो है जो अगर अपन को रिपे दो रिपा मांग ले तो वानी खेती जो मां का नगर कहीं कौन है बाकी नाम का मैंने तो लता पता है। हाँ लता पता है। जमाई जी कहवा कहीं कौन मारे कहीं प्रकट न तो मारो धन है न मारी नाम है तो मार कई लेने देनो थे कह रहे कि थारे भाई जी की करी ता अपन रोटे ने खादी थू तो कई कौन था को धन है मैं नट जाऊं अब आ दो ना कई फर्क पड़ दो। अब भगवान भक्ता की परीक्षा लेवा के लिए पाची थोड़ी परीक्षा लेवा के लिए पाचा आया। अब नाम का बड़ा आन केबा लगया कि था कि नाम का मैंने रुपया दो रुपया हो तो मने दे दो। अब रुपया को नाम ली तो जी जमाई जी तुरंत ही मना कर काटो क्योंकि जमाई जी ने पहली ससुर जी कही था कि जमाई जी अगर रुपया दो रुपया मांग लो तो मैंने खेती जो मांगे नाम का मैंने लता पता है झूठ बोल लो झूठ बोल लो। अब जमाई जी जो ही तुरंत पैसा टका को नाम ले दो जमाई जी के माँ के नाम में तो लता पता है। अब भगवान ब्राह्मण को रूप बनाना आया है वही टाइम का खे गया कि ततास्तु और वे तो वाका गेले चाल वाला आ गया नाव थोड़ी दार का मैंने डमाडोल लेवा लगी हल्की पड़गी नाव। जमाई जी ने ससुर जी के बाल आ गया कि जमाई जी नाव का मैंने जान देखो कोई बात है नाव अथरी डमाडोल की सानी फर्क पड़ गया। अब डामाडोल को नाम ले तो जमाई जी मैंने जान देखा तो धन माल तो गायब है अब लता पता पड़ा देखा है लता पता ने देख जमाई जी मैनी चीज वो किता लेकिन अब बारे कहवे तो बारे कहवे किसान उन सेठ जी इला पाड़ रहा के जमाई जी कई बात है तो हाँ थे कई बाना आन बता नहीं रहा महीनों कोई खे नहीं रहा जो जमाई जी कह महीनों कहीं नहीं किने आवे थे खुद आन देख लो कई हिसाब खजाना मैं बानू महीनू खे दू कभी नाम का मैंने तो धन माल गए लता पता है थे कंजूस आदमी हार्ट अटैक पेशेंट हो खजाना नाम का मैनू नीचे फदक गया पानी में तो पीछे घर जवाब दे वो मारे भारे हो जाए है ना थको कि ठाणो भी कौन है प्यागर लोभ में तो कहीं भी कर सको क्या कर सको। हाँ तो अभी जमाई जी अतरी बात कह रहा तो ससुर जी जो नाव का मैंने आन देखे तो नाव खाली पड़ी पैसा टका कौन है और लता पता ने देख सेठ जी ने हार्ट अटैक आओ इसी कंडीशन है कि जमाई जी कह अब रोबा कर बहु छाती घूट बहु कहीं नहीं है नहीं वैसे आ तो कहीं गाड़ी क्यों गुड़ा हो क्यों जाए एक हो जाए क्यों का कि था कि कंजूसी का कारण ही हो रुपया दो रुपया दे देता माने कई फर्क पड़ रहा हूँ महाराज भी दे देता दे काम में भाई फोकट को आते लगे उड़ो उसानी तो अभी जमाई जी कह रहा कई इलाज कौन है इनाम ने किनारे लगाओ अने वे महाराज क्या जी ने पचा हमारो जो वे लाज जाई तो भगवान करे तो आते लाग जाओ बाकी तो न लगे दूजो की गाड़ी में बाकी हार तो कहीं कौन लाद बाकी लेकिन महाराज अगर भगवान की कृपा लाज जावे तो बली आपने धनमाल पाचो आते जाओ, जाओ, लाग जावे। अब दो नाम ने किनारे लगान हमारता जा रहा भगवान ने ध्यान ये पाचा हमारता अपन किस आई तो अब भगवान एक रुकड़ा के नीचे वृक्ष के नीचे बैठा था है अरे जो ससुर जी और जमाई जी वह वृक्ष का पास में गया वृक्ष का पास में जान देखे तो जमाई जी ने तो भगवान नजर आ रहा लेकिन ससुर जी ने नजर ना आ रहा नजर ना आवे जय हो काकि ससुर जी बड़ा खंजूस आदमी है सेठ जी की कदी नींद का मैंने भगवान के प्रति धर्म ध्यान की इच्छा कोई ना कौन है और बोल मैं किसी जी नहीं पार न लगा ना, ना लगा अशानिस का ही एक सेठ जी अशानिस है ना ये सेठ जी है अशानिस
अभी या के भी इच्छा ही कि आपने अगर भगवान की कृपा छोर छोर रह जावे तो मैं भगवान के किलो खांड केड़ा चढ़ा दे। अब भगवान के किलो खांड केड़ा चढ़ाया, किलो केड़ा की बात की थी तो अब घरे जा। आपने सेठानी ने कहवा के तू कहो तो आपने भगवान के मंदिर पे किलो खांड केड़ा चढ़ा दा। हां क्यों अच्छी बात है भगवान का चढ़ा दो, आपने कई फर्क पड़ रहे हो। अब सेठ जी केड़ा लेवा गया, लाड़ी के ऊपर दो प्रकार का केड़ा पड़िया। हाँ थोड़ा एक तो पल पलिया हाँ तो कुछ एक केड़ा अच्छा हाँ। सेठ जी क्यों लाड़ी आड़ा ने कह भाई ये पल पले केड़ा कतरा का है, अच्छा है जो कतरा का। लाड़ी आड़ो क्यों भाई ये पल पले केड़ा तो 30 रुपए किलो है, ये अच्छा है जो 40 का है। सेठ जी क्यों भाई आप मंदिर पर ले चलो, तू पुजारी खा जाए ठाकुर जी तो खबू दिया, आपने सीखो पल पले केड़ा ही ले चलो। अरे अब पल पले केड़ा लेन गया मंदिर पर ले जा, पल पले केड़ा चढ़ाया तो आधा पल पल कर रहा, आधा में लट्टा चाल रही, लेकिन पंडित जी नट मू रहा भगवान को प्रसाद है वो तो वे नट सके है। तो अब भगवान का प्रसाद ले गया, भगवान का प्रसाद चढ़ायो जैसे हाथ जी पुजारी जी भगत लोग खादा। अब सेठ जी का थोड़ा दिन मैं छोरो ही हो छोरो ही हो तो छोरा की हालत इतनी खराब कि जू हाथ लगाऊ जू पल पल करे। जय हो भक्त। अब सेठ जी सेठानी तू हाथ लगाओ जी छोरो पल पल करे, सेठानी के सेठ जी यो आयो प्लास्टिक के इना विषय कर दे। जय यो कोई पल पल किसान कर दियो। जय हो जय हो। सेठ जी ने सेठानी को कहो सेठ जी ते केड़ा किसान का चढ़ाया केड़ा ये पग पग करया जो सेठ जी क्यों मैं लाड़ी पे गयो दो प्रकार का केड़ा, एक तो पल पल है ने एक अच्छा है जो मैं सीख दी पल पल चढ़ाया जो सेठानी को जे पल पल चढ़ाए ते पल पल ही ना बचे। जमाई जी दुई खड़ा है, जमाई जी ने भगवान नजर आ रहा लेकिन सेठ जी ने नजर ना आवे, काकी पापी आदमी ने कदी भगवान नजर ना आबो करे। और पापी आदमी की तुलना किकुम की दी है, एक भजन का मैंने सुनो। अरे पापी राम कसे राम नहीं निकले केशरी मिल रही गारा में। मनखे जमारो बंदा सुकिरती कर ले जमारा बस बस खोयो नी जमारा।
सत्यदेव भगवान की जय हो। पापी राम मुख से राम नहीं निकले केसरी मिल रही मनख जमारो बंदा एडो मत खोवे सुकृत कर ले काया ने भेस पदमणी ने हार पेरायो वाकई जाने पेरन हारा में पेर नहीं जाने वा तो रख नहीं जाने जाई बेटी गोबर गारा में अगर भेस ने मोगलो हार पेरा देवन है तो वाने वाकी कीमत ध्यान को ना कि हार खतरा रिपिया को अरे तो वा तो गोबर मिस जान बेटी बेटी सर जय भले गटगड़ा ने मोगलो कांच का घर में बैठान दो वाने कांच का मैंने दूसरो वाका रिक्वेस्ट दी की तू बस बस ही मर जाएगी मारे पति को गड़ी क्यों खा जाएगी अरे ऐसा नहीं पापी आदमी की गत है लेकिन भगत दो ही ससुर जो ही भगवान ने अरदास की थी कि भगवान एक बार तो दर्शन दे दो अब भगवान ने करुण पुकार करी भगवान दर्शन दीदा और सेठ जी ने केबा लगे कि सेठ जी थारे छोरा छोरी न हो तो छोरा छोरी भी दे दी दो छोरी का ब्याह में कथा करावे की बात की थी कभी ब्याह में करा दी हूँ तो ब्याह का मैंने भी कथा न करी तारे ब्याह भी अच्छो हो विदेश का मैंने तू आ थारा में अतरो दुख पड़ियो तो झेल का महीनो ही छुटायो छुटायो तन हो जी को चार गुना धन भी धरायो धरायो लेकिन थारी आज दिन तक नीत खराब है खराब है थारी आज भी भगवान के प्रति दया भावना कौन है सर जय हो लेकिन अब भगवान ने अरदास की थी कि भगवान माखू गलती हैगी हां अब मैं आपकी कथा जरूर करा देवा लेकिन मां नाम का मैंने रिपिया पाचा आना चाहो भर दो जय हो सेठ जी आज भी रिपिया नहीं रो रहा है जबकि भगवान वाना आन दर्शन दीदा लेकिन दर्शनों के लेना देना कौन है ना हाँ साहब वहाँ की लेना तो हाँ अब सेठ जी रिपिया की बात की थी और क्या बात लगा कि मैं आपकी कथा जरूर करा देंगे लेकिन मैं नाम का मैंने पाचा रिपिया टका भर दो अब भगवान पाचो तथास्तु की दो और क्यों कि नाम का मैंने जान देख ली जो आपकी नाम में पाचा वही रुपया वही मिल जाए अब नाम का मैंने आन देखा तो पाचा लता पता गायब और वही पैसा ने देख लिया बोल सत्यदेव भगवान की अब नाम का मैंने वही धनमाल वही पैसा टका चमई जी ने ससुर जी के बाला गया चमई जी अब नाम ने चलो फुल चला भाई से फुर्ती रहा अब इन्हें फुर्ती में चलो कह जाना और किसी बाबा जी आ गया हां तो बाणू तो घना पक्का पक्का हाथे ला गया लेकिन अब न लगे ना हां कह जाना मिले बस ताकि ये बाबा जी आने का काम खोटा है बोगा खोटा सा भारी काम ये गले चलते तथास्तु कर दे इतरे तो अपना धनमाल गायब है अब नाम ने चलावा लगा चुई गांव का पास में पहुंचा गरे समाचार कंदा है कि ससुर जी और जमई जी आ गया है हां सर माने लेवा जो हमें ढोल नगाड़ा का साथ में ताकि अच्छे काम कर रहा है जो ढोल नगाड़ा ले जाओ हां सर लेकिन अब दुई माँ बेटा भगवान को कीर्तन कर रही है माँ लीलावती बेटी ने क्यों बेटी देख तारे पिताजी और जमई जी आया है मैं वाने लेना हूँ चित्र तू आपने भगवान को पूजन है जिन्हें पूरो कर जे अधूरो मत छोड़ जे मत छोड़ जे अब माँ लीलावती पिताजी ने लेवा की तो थोड़ी देर में पाचू कलावती मन में विचार की दो माँ की शादी यानी बरस है क्या मारा हरी की 20-20 साल की छोरी आएगी जो भी पिताजी ने लेवा की तो मार तो आल तेरे ब्याह भी यानी साल गांडी हो ना कहीं कौन है ठाकुर जी आपना ये पुजारी जी आपना मैं आप घर का ही हाँ अरे आपने इच्छा ये जिगड़ी कर दिया लेकिन आपना पति देव ने ले नाम अब भगवान की पूजन ने अधूरी छोड़ और कलावती भी अपना पति देव ने लेवा की तो नाम का मैंने धनमाल भी उतर गयो और सेठ जी भी उतर गया लेकिन जमई जी नाम का मैंने ही बेटा रह गया है अरे ताकि भगवान का पूजन ने कलावती अधूरो छोड़ दे दो अब नाव झड़का मैंने अंतर ध्यान एबा लगी झड़का मैंने डूबा लगी तो कलावती कन्या भगवान ने केबा लगी के भगवान कणा सालों तो आज से मिलाया हो लेकिन आज ही मगी जोड़ी पाची बगाड़ दी दी है अरे केबा लगी आपने पिताजी ने कही केवे कलावती क्या जान जो जब हो अरे तकदीर जठी ने ले चले रे अरिया वठी ने चली रे अरिया सेठा थारी कलावती मरबाने चली रे चली रे
बोले सत्यदेव भगवान की, अर तकदीर जठी ने ले चाले या बठी नहीं चाली रे, सेंठा थारी कलाव थी मरवा नहीं चाली रे। चुए मरबा को नाम ले दो, आकाश का मीनू आकाशवाणी हुई कि देख बेटी तुम मरे खरे मत, और तू भगवान को पूजन अधूरो छोड़ रही, वाने पूरो कर आजा, पच्चे तारा पति देव का दर्शन कर ले। ए जाई अब कलावती कन्या दूड़ी की, भगवान को कीर्तन की दो, पूजन की दो, भगवान की आरती ले, प्रसाद ले, और जुई नदी का किनारे पाची आई, भगवान की कृपा वही टेम का नाम ऊपर आ गई। बोल सतीदेव भगवान की जय। अब नाम ऊपर आ गई, सब परिवार वाला ढोल नगाड़ा का साथ में करे गया, अरे और भगवान को बड़ा ही पवित्र भाव, सब परिवार वाला मिल आसा, भगवान को पूजन की दो, और हर पूर्णिमा को नियम बनायो की जीवता रहे मत रही, भगवान की कथा कह रहा हाँ। और जीवता रहे तेरे भगवान की कथा कर, ई लोग को सुख भोग अंत में बेकुंठ का वासी हो जा, इस जगह कथा का चार अध्याय समाप्त है, अब छोटो का अध्याय और है, बाद में बिल्कुल भजन का बाड़ा भी न रही है, ऐसा कमलेश जी भी साहब, मयूर जी भी साहब, और हाँ चलो कई कौन बाकी है जो गाई है ना, अपने गांव का भी न रही है, अब कथा का चार अध्याय इस जगह समाप्त है, छोटो का अध्याय और है। अरे आनंद किसी अवसरी में है, अपने हृदय के पट खोलो, अरे ये ध्याय चौथा समाप्त हुआ, श्री सती देव की जय बोलो। पांचवा अध्याय का मैंने सूरज जी महाराज सोन का दी 88,000 ऋषिया ने केवल लगे कि हे ऋषिया, पांचवा अध्याय का मैंने तुंगध्वज नाम का राजा है, वे राजा बड़ा अभिमानी राजा है, राजा ने शिकार खेलवा को बड़ो शौक हो, एक दिन राजा साहब जंगल का मैंने शिकार खेलवाने गया, और उठे जान जंगल का मैंने शिकार करवा लगा, तो राजा साहब जी जंगल का मैंने शिकार कर रहा है, वही जंगल का मैंने नीच जाति का ग्वाल बाल जो भगवान सत्यनारायण भगवान को व्रत कर रहा है, पूजन कर रहा है, वह जंगल का मैंने भगवान की कथा कर रहा है, अभी वे भगवान की कथा की दी, भगवान की आरती कर, भगवान को प्रसाद ले, और जो आपस में पाठ बाला गया तो ग्वाल बाला की नजर राजा साहब के ऊपर पड़ गई, और आपस में बात कर बाला गया कि आपने नगरी का राजा साहब आयडा है, यानी भी आप भगवान को कथा को प्रसाद देवा देवा, अब जो ही प्रसाद राजा साहब के पास में ले गया, और राजा साहब ने देवा लगा, राजा ने बड़ो अभिमान हो, राजा साहब ग्वाल बाला ने केवल लगे कि ग्वाल बाला मैं थका हाथ को प्रसाद खाऊंगी, फिर नीच जाति का ग्वाल बाल हो, भील वागरिया का हो, सब चाहता रहे, अब मैं थका हाथ को प्रसाद तो नहीं खाऊं, और भगवान का प्रसाद को अपमान कर राजा साहब आपने नगरी में पराजा हुए, अब भगवान का प्रसाद को अपमान की दो, तो भगवान बड़ा क्रोधित किया, और राजा साहब जो नगरी का मैंने जाओ वक्त पहले राजा की नगरी को विध्वंस है, क्यों राजा का सोई पुत्र मर्योड़ा है, राजा साहब जान देके बड़ा परेशान है वाला गया, और मन में चिंता करवा लगा कि अशोक आपने नगरी का मैंने कई हुए झुके कारण अपना सोई पुत्र मर्योड़ा है, और आपने पूरी नगरी को विध्वंस
है क्यों रहो। अब नगरी का विध्वंस ने देख राजा साहब मन में विचार की दो वे ने वे अपा भगवान का प्रसाद को अपमान की दो चिका कारण या गत है। जय हो जी जाए क्यों। हाँ अब राजा साहब वही टेम का पाचा घोड़ा को ऊपर बैठ और जंगल का मैंने वो ग्वाल वाला ने ढूंढता फिरे। राजा साहब जो ग्वाल वाला के पास में गया और ग्वाल वाला ने क्या बोला कि मारे भी भगवान की कथा करनी। अब कथा को नाम ली तो ग्वाल बाल अचंभित है वाला गया कि यही राजा साहब कल अपन को प्रसाद ही नहीं ले रहा है ना। अब कथा करा रहा है आज अपन को कथा करा रहा है वे भी थोड़ा नाटक करवा लगा। राजा साहब ने क्या राजा साहब काले तो प्रसाद ही नहीं ले रहा मगर उनको आज कथा करा भाई की बात कर रहा हो काली भील भाग रही हाँ आज ही वही हाँ मैं तो वही हाँ है ना बने माज ना करना बनिया हूँ। लेकिन राजा साहब ग्वाल बाल ने क्यों मारे भगवान की कथा आपने करनी पेड़ी। ग्वाल बाल क्या लगा कि आज आप भगवान की कथा कर ले तो आपने खाता में और मन जाए। अब राजा साहब के बड़े पुत्र भगवान की कथा की दी पूजन कर और जो ही राजा साहब नगरी का महीने गया तो राजा का सोई पुत्री जीवता मिल गया और राजा साहब ही जीवता रहते रहे भगवान की कथा की थी और ई लोग को सुख भोग अंत में वैकुंठ का वासी होया। और राजा साहब अभिमान की जो राजा की नगरी को विध्वंस है ना तो अभिमान कभी ना करना चाहिए अभिमान बढ़ो खोटो हो वो करें। गरबी करी मती बावीरा थरा गिणी गिणी चलिया स्वासी आश करी सो साली की थरी नहीं पलकी की ही आश। ओ भाई गरबी गली जासी रे अरे मत करे रे अभिमान मान तू मरो जासी रे गर्व गली जासी रे और आज की कथा को लष्ट बजाना है बिल्कुल एक बार और जिकी भी इच्छा है जाओ नाच लीजो। ओ भाई भाई गरबी गली जासी रे हिम्मत करे रे We'll be right back.
मशरी का बलिबदी छोदा हाथ मुखरी जा रे मशरी का बलिबदी छोदा हाथ मुखरी जा अरे आनंद इसी अवसर में है अपने हृदय के पट खोलो। अरे ये ध्याय पांचवा समाप्त हुआ श्री सती देव की जय बोलो। जो भक्त लोग भगवान की कथा की थी वाका अगला जन्म की कथा सबों पहली सदानंद जी महाराज जो अगला जन्म का मैंने सुदामा जी बनिया हा और लकड़ारो भील जो अगला जन्म का मैंने निषाद राज बनियो भगवान श्री राम भगवान का चरण धो और अपनी 21 पीढ़िया को सुधार की दो उधार की दो। और उल्का मुख नाम का राजा साहब अगला जन्म का मैंने राजा दशरथ बनिया और साधु नामा सेठ जो अगला जन्म का मैंने राजा मोरध्वज बनिया। इस जन्म का मैंने तो बहुत भारी कंजूस था लेकिन अगला जन्म का मैंने ऐसा दानवीर बनिया अपना पुत्र ने भी आरंग चीर भगवान के लिए समर्पित कर दे दो। जय हो जय हो। बोले सत्यदेव भगवान की जय हो। और तुंगध्वज नाम का राजा साहब जो स्वयं भूमनु नाम को ग्रंथ लिख और इस जगत का मैंने ख्याति प्राप्त की दी प्रकार टूटा फूटा शब्द में भगवान की कथा पेश करी हूँ कोई गलती हो तो माफ कर दो।